नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे और इसको लेकर अमित शाह ने एक नई रणनीति अपनाने का संदेश दे दिया है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में माँ माटी और मानुष के नाम पर वोट मांगती रही है और उसने ये भी कहा था कि जो बाहर के लोग हैं उनको पश्चिम बंगाल में वोट नहीं मिलेगा, उनको पश्चिम बंगाल की जनता नकार देगी। और इसका जवाब देने के लिए अब अमित शाह बंगला भाषा सीख रहे हैं। जी, अमित शाह को जाना जाता है कि वो अपनी जो रणनीति बनाते हैं, खासकर चुनाव की रणनीति, उसमें वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे देखकर विपक्षियों के होश उड़ जाते हैं और वो उनकी चालों के आगे मात खा जाते हैं। अमित शाह गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात में वो हमेशा रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी पर पकड़ बनाई और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में वो प्रभारी बने जहाँ उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई थी, तो निश्चित तौर पर उनकी उसी रणनीति का ये हिस्सा है कि अब वो बंगला भाषा सीख रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक टीचर रख लिया है। उसके साथ साथ वो तमिल भी सीख रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि वो बंगला पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो बंगला भाषा में ही लोगों को, जो पश्चिमी बंगाल के ज़्यादातर लोग हैं, वहाँ उनको संबोधित कर सकें और ममता बनर्जी की उस बात का जवाब दे सकें। उसमें उन्होंने अमित शाह को इनडायरेक्टली बाहरवी कह दिया था, तो निश्चित तौर पर जब बंगला भाषा में वो बोलते हुए नज़र आएंगे, लोगों से संवाद करते हुए नज़र आएंगे, तब निश्चित तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से संवाद होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी पार्टी का संदेश लोगों तक पहुँचाएंगे और ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सरदर्द हो सकता है। क्योंकि अमित शाह किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं करते और जिस काम को ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं। यही वजह है कि वो मिशन 250 यानी कि 250 का जो मिशन उन्होंने रखा है उसको ये अंजाम देने के लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा पैंतरा शुरू किया है और उससे अब ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मच गई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 सीट हैं और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर अब चल पड़ी है और इसके लिए तमाम पार्टी स्तर पर भी काम करने के लिए अब कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया है। और उसमें खास बात यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई जाएं जो घर घर जाकर जो स्थानीय निवासी हैं उनको CAA के ऊपर ब्रीफ करेंगे, जानकारी देंगे। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने CAA के विरोध में तमाम झूठे कार्यक्रम चलाकर भ्रामक प्रचार किया है, उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के घरों तक जाएगी और उन्हें समझाएगी कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है ये शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर इसको लेकर बड़े स्तर पर अब काम शुरू हो गया है और इसको लेकर जिस तरीके से सुभाष सरकार जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको बेहतर तरीके से काम करेंगे और अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसमें हम अपनी पार्टी का और जो संदेश है नागरिकता संशोधन का उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से रैलियाँ करके और सभाएँ करके इस पूरे के पूरे कानून के ऊपर लोगों को भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, लोगों को भ्रम में बरगलाने का प्रयास किया है, उससे हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 18 सीटें मिली थी, जो कि स्पष्ट तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा एक बम्पर बोनस की तरह से था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उससे पहले 2 अंकों का आंकड़ा भी कभी पश्चिम बंगाल में नहीं छू पाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 18 सीटें जीती उससे ममता बनर्जी को भी लगा कि उसका किला ढह रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के बजाय अब वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना दुश्मन मानकर चल रही है, प्रतिद्वंदी मानकर चल रही है। और यही वजह है कि अब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करने लगे हैं, उनके काफिलों पर पत्थरबाजी होती है। दिलीप घोष जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उन पर कई बार हमला हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर कई बार हमला हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से तैयारी करती रही तो उसकी दोबारा से उस सत्ता वापसी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी और इसीलिए ममता बनर्जी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है और इसमें वो हिंसा का भी सहारा ले रही है। और उसके बाद जिस तरीके से CAA कानून बना उसके बाद तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण पर उतर आई और उसने लोगों को ये भड़काने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि ये जो CAA कानून है ये मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीन लेगा, जबकि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे तौर पर ये कानून उन शरणार्थियों के लिए था जो कि धार्मिक तौर पर
अल्पसंख्यक होने के नाते बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में सताए गए थे, और चूंकि पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान से आए हुए लोगों की उतनी ज़्यादा तादाद नहीं है जितनी कि बांग्लादेश में, धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक होने के नाते वो सताए गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो बंगाली हिंदू हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और भारत में शरण वो मांग रहे हैं, नागरिकता जो मांगते हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा। और ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अगर उनको फ़ायदा होगा तो जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के काडर हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते हैं और हिंसक बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने से वो पीछे नहीं हटते हैं, उनको वो हर हालत में अपने साथ रखना चाहती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 5 ऐसी सभाएं की और 3 रैलियां भी की इसको लेकर, और उन लोगों को कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में CAA को लागू नहीं होने दूंगी, NRC को लागू नहीं होने दूंगी, NPR का काम भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया था उसको भी ममता बनर्जी ने रुकवा दिया था। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की ये सारे के सारे हथकंडे बेकार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अमित शाह पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा में भाषण देना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस हो उसके भी जो नेता जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा में भाषण नहीं दे पाते, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर अमित शाह जैसे कद का नेता वहाँ बंगला भाषा में लोगों के साथ जुड़ेगा, संवाद करेगा, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के मुस्लिम जिहादी संगठन पर बैन लगाने की सिफारिश गृह मंत्रालय को कर दी है और मांग की है कि उस पर जल्दी से जल्दी बैन लगाया जाए। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी जगह भी CAA विरोधी दंगे हुए थे उन सभी में PFI का नाम आ रहा है, और PFI के ही जो संगठन के 2 बड़े जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा 25 और गिरफ्तारियां हुई, और उनके तार जब जांच की गई तो अब ये पता चला है NIE की जांच में ये भी सामने आया है कि PFI को ISIS और दूसरे अलकायदा जैसे संगठनों से भी PFI फंड लेता है, और इसमें जो सिमी नाम का पहले एक संगठन था जिस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया, उस सिमी के सारे लोग PFI में आ गए थे, और इनकी बहुत बड़ी साजिश थी कि जिस तरीके से 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उसी तरीके से भारत में CAA के विरोध के नाम पर पूरे देश में आगजनी की जाए, दंगे किए जाए और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से काबू में किया और उसमें बहुत सारे दंगाइयों की जानें भी गईं जिनको लेकर प्रियंका वाड्रा जैसे लोग अब स्यापा कर रहे हैं, रोना पीटना कर रहे हैं और उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि PFI जैसा जो संगठन है वो किस तरीके से देश के खिलाफ काम कर रहा है। और इसके अलावा SDPI नाम का भी एक संगठन था जो कि इसी का एक जुड़ा हुआ उसको संगठन कह सकते हैं। तो ऐसे संगठनों पर अब NIA जांच करेगा और NIA इसका पूरा का पूरा तह तक जाएगा कि इनको जो फंडिंग हुई है वो विदेशों से किन किन लोगों ने फंडिंग की और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और इस पर बैन लगाने के लिए भी गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई जिस बैठक के बाद इस पर निर्णय हुआ कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा और निश्चित तौर पर PFI को बैन किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के संगठन जो भारत देश के अंदर रहते हुए जिहादी कट्टरवाद की बात करते हैं, जिहादी कट्टरवाद फैलाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले साल की बात है 21 अप्रैल को ईस्टर के दिन श्रीलंका में बम धमाके हुए थे और उन धमाकों के पीछे भी PFI का ही हाथ आया था जिसमें 250 लोग मारे गए थे। निश्चित तौर पर इसके बाद केंद्र सरकार ने उससे पहले PFI पर अपने यहाँ प्रतिबंध भी लगाया था, उसके अलावा झारखंड में भी प्रतिबंध इसके ऊपर लगा, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कहने के बाद गृह मंत्रालय विचार कर रहा है कि इसको पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके के संगठन को खुलेआम काम करने देने की छूट देना देश के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा और सरकार को ऐसे इस तरीके की छूट नहीं दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां PFI को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और यही वजह है कि PFI के लोगों की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे प्रियंका वाड्रा ने। कांग्रेस भी उनका बचाव करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस डायरेक्टली तो नहीं कह पा रही लेकिन वो ये कह रही है कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर गृह मंत्रालय इस पर प्रतिबंध लगाता है तो कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका होगा, उसकी सारी योजनाओं को जिस तरीके से उसने अंजाम देने की कोशिश की थी, और PFI की जांच अब NIA करेगा
तो वहाँ ये खुलासे भी होंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता इसके साथ जुड़े हुए थे और किस तरीके से कांग्रेस भी पीएफआई को मदद पहुँचा रही थी दंगे कराने के लिए। अब दंगाइयों का सारा खुलासा होकर सामने आ गया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी किए थे संपत्ति की वसूली के, अब उसी राह पर चलते हुए दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर रही है कि जो दंगों में संपत्तियों को नुकसान पहुँचाए, सरकारी संपत्तियों को, उसकी वसूली दंगाइयों से ही की जाए, जिसको लेकर पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस भी कर रही है। जय हिंद, जय भारत।